हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बनने में बहुत ही कम समय लगता है। तो सूजी का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें आप नोट कर लें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी, आधा कप दही, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज हमने लिया एक छोटा सा बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, अदरक क्रश किया हुआ, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और गाजर जो है मैंने एक छोटी सी ली है, क्रश करके रखी हुई है मैंने यहाँ पे। कद्दूकस भी कर सकते हो, बारीक भी काट सकते हो आप। और लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, और स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे आलू लिए हैं। आप चाहें तो आलू को की स्टफिंग को आप स्किप भी कर सकते हो, खाली सूजी से भी बना सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे आज 2 तरह का जो है सूजी का सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सूजी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे सूजी। 1 कप सूजी हमने यहाँ पे ली है, और इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। और इसमें हम डाल देंगे पानी, यानी कि इसका जो स्मूथ बैटर बने, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला। इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 से भी कम चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, और स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक करीबन, ये भी 1/4 चम्मच ही नमक हमने डाला है यहाँ पे। तो जितनी सूजी है उससे आधा दही होगा, और उससे डबल जो है पानी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बैटर बनाने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस करी हुई गाजर और प्याज, और साथ में हम डाल देंगे बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, और साथ में हम डाल देंगे बारीक कटे हरा धनिया की पत्तियां, और सबसे लास्ट में डाल रहे हैं हम टमाटर। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी डाल के इसकी जो स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने डाला है, करीबन 2 कप के करीबन हमने पानी इसमें डालना है। मिक्सचर को हम बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है मिक्सचर हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और अभी इसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है तो पानी और डलेगा। तो मैंने इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। आप चाहें तो पहले ही बड़ा बाउल ले सकते हो, लेकिन
इस तरीके से हम इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। सूजी जो है काफी रस पीती है, तो इसके लिए हमें खुला बर्तन ही लेना होगा, क्योंकि फूल की ये जो सूजी है डबल हो जाती है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से तो देखिए हमारा जो बैटर है वो बनके तैयार है, और अब हम इसे करीबन 10 मिनट तक इसी तरीके से हम ढक के रख देंगे। तो अब हम बना लेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं, मैंने 3 आलू लिए हैं जिसे मैंने 3 विसल दिला के बॉयल कर लिया था, और छिलका उतार के इसे मैंने मैश कर लिया है, और गैस पे मैंने एक पैन रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स 10-15 मिनट हो चुके हैं, और हम ढक्कन खोल के हम सूजी को एक बार इस हिला देंगे। तो देखिए सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल चुकी है। इसे मैं 1-2 बार चम्मच से हिला दूंगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इसका जो है बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए। यहाँ पे हमें बैटर को ज्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि अगर थिक रखेंगे तो जो हमारी उत्पम है वो भी थिक बनेगी। तो हमें इसको जो है ना ही ज्यादा पतला करना है ना ही ज्यादा थिक करना है। तो थोड़ा सा पानी हम और डाल लेंगे। तो इतना जो है बैटर ठीक है, इतना ही हमें रखना है इतनी कंसिस्टेंसी का। और इसमें हम डाल देंगे अब जो बारीक कटी हमारी हरी सब्जियां हैं। तो इसमें हम डाल देंगे अब धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, और जो है कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ, या फिर आप इसे कूट भी सकते हो। थोड़ा सा अदरक मैंने यहाँ पे डाला है, और थोड़ी सी हम यहाँ पे शिमला मिर्च डालेंगे, और बाकी जो है हम रखेंगे ताकि हम ऊपर इसके स्प्रेड कर सकें। तो थोड़ा सा जो है हमने ग्रेट की हुई गाजर मैंने डाली है यहाँ पे, और इसमें हम डाल देंगे नमक। तो 1/2 चम्मच नमक मैंने यहाँ पे डाला है, और थोड़ी सी जो है काली मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से प्याज भी डाल सकते हो, या कोई भी और सब्जी अगर आपकी पसंद की है तो वो भी इसमें डाल सकते हो। अगर आप चाहें तो मटर भी बॉयल करके इसमें थोड़ा थोड़ा क्रश करके इसमें डाल सकते हो, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स बैटर हमारा बनके तैयार है। देखिए बहुत ही बढ़िया जो है बैटर बना है, और अब हम गैस पे पैन रख के या फिर आप नॉनस्टिक तवा रख के उसे गर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा हुआ गैस पे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच घी या रिफाइंड ऑयल, या फिर आप बटर भी डाल सकते हो, शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हो, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो, और इसे हम चारों तरफ फैला देंगे। और इसमें हम डाल देंगे बैटर। तो जितना भी बड़ा आप बनाना चाहते हो उतना ही जो बैटर आप धीरे धीरे करके इसे फैला दीजिए। और इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। और साथ में हम डाल देंगे शिमला मिर्च। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गाजर भी रखी हुई है, गाजर भी डाल सकते हो। और साथ में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो दिखने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है, और खाने में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। आप चाहें तो खाली जो है सब्जियां ऊपर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बैटर में भी मिक्स करी है, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसे हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जो सब्जियां हैं अच्छे से प्रेस हो जाए और मिक्सचर में मिक्स हो जाए।
देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देते हैं, उसके बाद हम इसे पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से हम अच्छे से इसे पका पाएं। तो देखिए नीचे का हिस्सा जो है काफी जो है आप देखेंगे पकना शुरू हो गया है, और थोड़ी देर में हम इसे पलट देंगे। तो दोनों तरफ से हम इसे पकाते हुए उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन हम कर लेंगे। तो 2 मिनट पकने के बाद हम इसे पलट के देखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया जो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसी तरीके से हम इसे 2 मिनट तक दोनों तरफ पलटते हुए पकाएंगे। टमाटर भी और शिमला मिर्च भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए रवा उत्पम हमारी बन के तैयार है, दोनों तरफ से हमने अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे ज्यादा रोस्ट किया है क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उत्पम जो है हमारी बन के तैयार है, देखिए कितनी बढ़िया और कलरफुल बनी है। इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल लगाएंगे और दूसरा भी जो बैटर है हम यहाँ पे डालेंगे। तो जितना भी बड़ा आप बनाना चाहते हो साइज उतना ही जो बैटर आप डाल सकते हो। और इसके ऊपर भी हम टमाटर लगा देंगे बारीक कटे हुए। साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च। और इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए हमें इसे पकाना है। तो आप चाहें तो पलटने से पहले दूसरी तरफ भी जो है 1/2 चम्मच ऑयल लगा सकते हो। तो देखिए नीचे का हिस्सा काफी पक चुका है और इसे हम धीरे धीरे इसे पलट देंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और इसे भी हम उतार लेते हैं और इसी तरीके से हम सारी उत्पम जो है बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उत्पम बन के तैयार है, बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट रवा उत्पम बन के तैयार हुई है। और अगर आपको और भी जल्दी बनानी है तो आप बैटर में 1/2 चम्मच इनो या फिर बेकिंग सोडा डाल सकते हो, जिससे कि आपको जो 10 मिनट हमने भिगो के रखी थी रवा उसको भिगोना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से भी बनाते हो तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही जो है सॉफ्ट और बढ़िया रवा उत्पम बनके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।